हर हर महादेव। 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण, ये अपने आप में भगवान शिव की उपासना का एक अनूठा तरीका है, और वो भी भगवान शिव की नगरी यानी महाकाल की नगरी उज्जैन में। इस वक्त दद्दा जी यानी पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री का यज्ञ स्थल आप देख रहे हैं। सिंहस्थ के इस पावन मौके पर 108वां रुद्र महायज्ञ वो कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने इस तरह के यज्ञ किए हैं। जब 5.25 करोड़ शिवलिंग, 1.25 करोड़ शिवलिंग, इस तरह के शिवलिंगों का निर्माण किया गया है, और इस वक्त आप पंडाल में जबरदस्त भीड़ देख रहे हैं। देश भर से श्रद्धालु इस वक्त दद्दा जी के इस यज्ञ स्थल पर आए हुए हैं, और इन श्रद्धालुओं में कुछ बॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल हैं जो परम पूज्य दद्दा जी के शिष्यों में भी शामिल हैं। ऐसे ही एक शिष्य है राजपाल यादव, वो भी इस वक्त शिवलिंग निर्माण में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो यहाँ पर शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं, और 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण, यूं तो 8-9 दिन का ये यज्ञ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज ही इस लक्ष्य को पा लिया जाएगा। तो हम राजपाल यादव जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले IBN 7 पर बहुत स्वागत है आपका। क्या है यज्ञ, क्या कर रहे हैं आप? ये 108वां 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ है, और दद्दा जी तो इस 36 साल से इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, और जिनका निमित्त एक राष्ट्र कल्याण है। 17 साल हमें भी हो गए हैं इसमें दद्दा जी के सानिध्य में करते हुए। 108वां जैसे बोलते हैं ना, रुद्राक्षी माला होती है, आज ये मतलब रुद्राक्ष की माला पूरी होने जा रही है, और वो भी संघर्ष उज्जैन में। तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे पवित्र पावन भूमि पे इतने जोश व खरोश के साथ में, मेले के साथ में, और ये जो है संघर्ष में जो है 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण हो रहा है। बड़ा मजा आ रहा है। मैं भी अभी ये फिल्मों को सबको विराम दे रखा है कुछ दिनों के लिए। हाँ, ये तो पिछले 5-6 महीने से ही डेटें बिल्कुल सेव करके रखी थी, क्योंकि ये जो था सिंघस का पहले से ही मालूम था, और उसमें 3 मई से 9 मई जो था वो ये डेटें जो है वो बिल्कुल पहले से सेफ और बिल्कुल फिक्स करके रखी थी कि इसमें कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ धर्म करेंगे। पूरा सिंहस्थ के समय तक या पूरा यज्ञ के दौरान आप रहेंगे? हाँ बिल्कुल, पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश पूरे यज्ञ के दौरान। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद IBN 7 से बातचीत करने के लिए। राजपाल यादव को आपने देखा, और इस तरह कई और यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं जो शिवलिंग निर्माण के काम में जुटे हुए हैं, और उज्जैन में सिंहस्थ के दौरान ये एक अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में, और कई और फिल्मी कलाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको उनसे भी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन इस बीच हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण की, जो सिंहस्थ में इस वक्त देखने को मिल रहा है दद्दा जी के यज्ञ स्थल पर। और हम आपको ये भी बता दें कि जब यहाँ पर हम हैं तो जैसे आपने देखा कि राजपाल यादव शिवलिंग बना रहे थे, तो आशुतोष राणा यहाँ पर लगे हुए हैं व्यवस्थाओं के जमाने में। दद्दा जी का ये 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से वो यहाँ की व्यवस्थाओं में भी लगे हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं ये उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले IBN 7 पर बहुत स्वागत है आपका। ये क्या चल रहा है, हम जाएंगे थोड़ा दर्शकों को आप बताएं। ये परम पूज्य दद्दा जी जो हम लोगों के गुरुदेव हैं, उनके द्वारा आज 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक सिंहस्थ में कुंभ में 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का ये महारुद्र यज्ञ है, और पूज्य दद्दा के द्वारा किया जाने वाला, संपन्न किया जाने वाला ये 108वां यज्ञ है। तो ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जो शिवलिंग की गोलियां हमने काटी थी, जो गिनती की हैं, तो उन समस्त गोलियों के निर्माण को शिव स्वरूप देने की प्रक्रिया ये चालू है, तो उसी का वितरण मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये सबसे अभी दर्शक ये भी जानना चाह रहे होंगे कि ये शिवलिंग निर्माण तो हो रहा है, वो भी महाकाल की नगरी में हो रहा है, लेकिन इस तरह पार्थिव शिवलिंग निर्माण का ये क्या महत्व होता है, क्या मकसद होता है? देखिए, हम गृहस्थों के लिए श्रेष्ठतम सिद्धि के अंतर्गत, सात्विक सिद्धि के अंतर्गत ये आता है पार्थिव शिवलिंग निर्माण। मैं बड़ा सांसारी व्यक्ति हूँ, और मेरा ये मानना है कि टिट फॉर टैट होता है जिंदगी में। हम इसकी धार्मिकता में हम बाद में जाएंगे इसकी विशेषता में, लेकिन टिट फॉर टैट से मेरा मतलब ये है कि यदि हम शिव का निर्माण करते हैं तो शिव हमारा निर्माण करते हैं, हम उनका अभिषेक करते हैं तो वो हमारा अभिषेक करते हैं, यदि हम उनको सर पे धारण करते हैं तो वो हमें सर पे धारण करते हैं, और यदि हम उनके निर्माण के लिए अपने इष्ट मित्रों का आमंत्रण करते हैं तो वो हमारे निर्माण के लिए अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित करते हैं। तो यदि हमारे निर्माण से
वो मिट्टी से महादेव हो सकते हैं, तो उनके निर्माण से हम मानव से महामानव निश्चित रूप से हो सकते हैं। तो ये हमारा मानना है और मैं शुक्रिया के अंतर्गत काम करता हूँ जी। अच्छा आशुतोष जी, ये भी एक हमने देखा कि बड़ी तादाद में, ये मुझे लग रहा है देश के कोने कोने से लोग आए हैं, क्योंकि पूरा पंडाल इतना बड़ा पंडाल है और ये पूरा पंडाल भरा हुआ है। तो क्या सिंहस्थ के लिए ये विशेष आयोजन है या इसी तरीके से यज्ञ और या 108वां यज्ञ जैसा आपने कहा वो है, इसलिए कुछ विशेष देखने को मिला? देखिए, कलयुग में परम पूज्य दद्दा एकमात्र ऐसे संत हैं ज्ञात और अज्ञात इतिहास में जिनके द्वारा 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महाराष्ट्र यज्ञ के 108वां यज्ञ संपन्न किया जाता है। अन्यत्र ऐसा कहीं कोई और उदाहरण नहीं मिलता हमें, न शास्त्रों में, वेदों में, न पढ़ने। तो कहने का तात्पर्य ये, और दूसरा एक विशेष अवसर ये है कि ये 108 का संकल्प था पूजा दद्दा का, उसकी संकल्प पूर्ति है। दूसरी विशेषता ये है कि ये सिंहस्थ में हो रहा है, कुंभ का अवसर है। तीसरी विशेषता ये है कि ये देवों के देव महादेव महाकाल की नगरी में हो रहा है, तो देव दर्शन तो हम कर ही रहे हैं, तो देव का दर्शन, देव का पूजन, देव का निर्माण, देव का दर्शन, ये तमाम चीजें एक साथ ऐसी योगा योग बन गया है इसका। और 108 की संख्या का अपने आप में बड़ा महत्व होता है, तो उसकी वजह से ये जो दिव्यता का भाग आपको हो रहा है, ये निश्चित रूप से वही एक चीज है। क्योंकि मेरा मानना है कि एक चीज होती है भटकना और एक चीज होती है होना। तो कुंभ में यदि आप भटक रहे हैं तो दद्दा जी की कोशिश है कि कुंभ में आप भटके नहीं, कुंभ में आप खो जाएं। खोएंगे तो आप निश्चित रूप से पा जाएंगे। तो आप कुंभ में नहीं हैं, दद्दा ये चाहते हैं कि आपको कुंभमय कर दें, कुंभमय कर दें। बहुत खूब। और मैंने देखा आप बहुत व्यस्त है, तो आप अपनी व्यवस्थाओं में लगे रहे। आपने IBN 7 को समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आशुतोष राणा। और अभी अगर आपको तस्वीरें, मेरे सहयोगी मुकेश आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप देखेंगे जहां तक नजर जाती है लोगों की तादाद आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर शिवलिंग निर्माण किए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शिवलिंग निर्माण, पार्थिव शिवलिंग निर्माण ये होता है। और इस शिवलिंग निर्माण का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि अब ये 108वां इस तरह का यज्ञ है जो आयोजित किया जा रहा है, सिंहस्थ के दौरान ये किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये महाकाल की नगरी में किया जा रहा है। ऐसी कई विशेषताएं जो आशुतोष राणा जी ने हमें दिखाई, तो ये है सिंहस्थ का, भक्ति का एक और रंग जो IBN 7 आप तक पहुंचा रहा है। पंडाल में आप जहां पर नजर दौड़ाएं वहां पर आपको लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे। और इस तरीके से ये कूप कहे जाते हैं, कूपे कहे जाते हैं, जो बड़े बड़े थाल आप देख रहे हैं, इनमें शिवलिंग निर्माण किया जा रहा है। और ये जो शिवलिंग है, ये भगवान शिव को इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, मिट्टी के, काली मिट्टी के ये शिवलिंग होते हैं और इनकी फिर स्थापना की जाती है। ऐसे कई कूप अलग अलग जगहों पर, ऐसे कई बड़े बड़े थाल पूरे पंडाल में अलग अलग जगहों पर बन रहे हैं। 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण का लक्ष्य 8 दिन के यज्ञ में था, लेकिन आज ही एक पहले ही दिन लगभग 7 करोड़ शिवलिंग निर्माण हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शिवलिंग निर्माण के दौरान कितना भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कई जगहों से, अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या कर रहे हैं, आप जरा बताएं दर्शकों को। हम लोग पाटन से आए हैं। अच्छा, और ये जबलपुर से आए हैं, शिवलिंग निर्माण करने के लिए जबलपुर से आए यहाँ, वही काम केवल। अच्छा जी, तो क्या होता है ये शिवलिंग निर्माण से, क्या होता है? पार्थिव शिवलिंग धार्मिक आयोजन है और इसमें तो जो है जितनी अटूट श्रद्धा हम लोगों की है, उस हिसाब से हम लोग दद्दा के प्रति जो है विशेष श्रद्धा, इसलिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। अच्छा, कितने दिन के लिए आप लोग आते हैं और कितने दिनों तक यहाँ रहते हैं? 2-3, जब जैसे टाइम रहा उस हिसाब से हम लोग आते हैं, यहाँ रुकेंगे। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं शिवलिंग निर्माण करते हुए भक्तों को। और 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण, 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण, इस तरीके से अलग अलग यज्ञ होते हैं। 108वां इस तरह का यज्ञ है जो इस वक्त सिंहस्थ में महाकाल की नगरी में हो रहा है, इसीलिए इसका विशेष महत्व बताया जा रहा है। क्या और मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पर यज्ञ की व्यवस्थाएं देख रहे थे तो परम पूज्य दद्दा जी खुद भी व्यवस्थाओं में वैसे ही जुटे हुए हैं जैसे कि अन्य कार्यकर्ता लगे रहते हैं। ये एक बहुत विशेषता है कि अन्य गुरुओं की तरह आप उनको कहीं बैठे नहीं पाएंगे, बल्कि वो पूरे पंडाल में घूम घूम कर खुद शिवलिंग निर्माण के काम में जुटे रहते हैं। तो दद्दा जी, सबसे पहले IBN 7 पर आपका स्वागत है। इस यज्ञ का महत्व, इसका मकसद हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। आपके चैनल के माध्यम से हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि दुनिया में हर आदमी पढ़ा हो, लिखा हो, अपढ़ हो,
धार्मिक तो होना चाहता है, धार्मिक योजनाओं में आयोजन में वो भागीदार भी बनना चाहता है, लेकिन उसके मन में एक छिपी हुई बहुत एक बड़ी विचित्र बात होती है कि हम ऐसा धार्मिक आयोजन चाहते हैं जिसमें हमारा भौतिक जीवन बाधित ना हो, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन की व्यवस्थाएं, परंपराएं बाधित ना हो, ऐसा सरल से सरलतम धार्मिक आयोजन चाहते हैं। तो 585 धार्मिक आयोजन अर्थात यज्ञ हमारे धर्म ग्रंथों में है, तो सबसे सरल से सरलतम आयोजन 225 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण है, मिट्टी से महादेव का निर्माण होना, बेलपत्री दूध दही से पंचामृत से उनका अभिषेक हो जाना, संग्रह की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे उनका विसर्जन हो जाना, ये इतनी सरल प्रक्रिया है कि भारत का हर मानस इससे संबंध होता है। 108 यज्ञों में जितना जन समर्थन मनुष्य आदमियों का लोगों का मिला, उससे सबसे बड़ी सफलता ये मिली कि हमारा मिशन सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान शिव इस यज्ञ को आपके हर यज्ञ की तरह कामयाब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बताया।